हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट ग्रामर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ग्रामर चैप्टर नंबर 23, अपोजिट। अपोजिट मीन्स व्हाट? किसी भी चीज़ का मीनिंग्स अलग अलग होना, यानी अपोजिट होना। यानी इसका मीनिंग जिस तरह ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, ही इज़ अ टॉल मैन, ही इज़ अ शॉर्ट मैन, ही इज़ अ टॉल मैन, ही इज़ अ शॉर्ट मैन। दो चीज़ दिया हुआ है, आप देखिए क्या बताया है, ही इज़ अ टॉल मैन, कि एक आदमी क्या है, टॉल है। दूसरा दिया ही इज़ अ शॉर्ट मैन, और दिया है कि ही इज़ अ शॉर्ट मैन, वो एक छोटा आदमी है। यानी टॉल एंड शॉर्ट में दो चीज़ का फ़र्क आता है, दो बताया है। जैसे टॉल जो है वो लंबा होता है, और शॉर्ट जो होता है छोटा होता है। यानी दोनों के मीनिंग अपोजिट होना चाहिए, अलग होनी चाहिए, मीनिंग्स अलग यानी उसके उल्टा होना चाहिए। हियर इज़ द वर्ड्स टॉल एंड शॉर्ट आर अपोजिट इन मीनिंग। और ये जो टॉल और शॉर्ट है उसकी मीनिंग्स क्या है, अपोजिट है। जैसे एग्जांपल्स, नंबर वन, न्यू, न्यू यानी नया, उसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, ओल्ड। यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा उसका, ओल्ड यानी जूना, यानी पुराना। नंबर टू है हार्ड, एंड उसका अपोजिट क्या रहेगा, सॉफ्ट। हार्ड यानी कड़क, और सॉफ्ट यानी नरम। लाफ, लाफ यानी हंसना, एंड क्राई, क्राई मीनिंग इसका रोना, यानी इसका अपोजिट हो गया ये। फास्ट, स्लो, वीक, स्ट्रॉन्ग। यानी किसी भी चीज़ की मीनिंग्स उल्टा होना, तो वो चीज़ जो मीनिंग्स जो अपोजिट होता है उसको अपोजिट वर्ड्स होते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।